सवाल सवाल ये होगा 2022 में, सवाल ये होगा कांग्रेस कांग्रेस में आप जिसके पास माइक नहीं है उसकी आवाज नहीं जाएगी उन्हें, तो प्लीज रुक जाइए। सवाल ये होगा आपसे मैम कांग्रेस के लोगों से कि क्या आप ये बताएंगे कि आपने जो इतने सालों से हमारे देश को चलाया, तो आपने देश को चलाने के लिए जो भी चीजें आपने की थी, जो भी आपने स्ट्रेटजी तैयार किया था, क्या उस स्ट्रेटजी से इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की छवि बढ़ रही थी या घट रही थी? जो अभी जो भी मोदी जी जो स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी से विदेशों में और देशों में हमारी जो मनोबलें बढ़ रही हैं, हमारे जो लोग वहां रह रहे हैं उनका जो हौसला बढ़ रहा है, क्या ये आपके सीजन में था या आप इसके लिए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगी। आज जो मोदी जी वहाँ कॉलर टाइट करके दूसरे दूसरे देशों में घूम रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस पार्टी है। हमारे देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, तमाम जितने प्रधानमंत्री थे, लोकतंत्र की उन्होंने बचा के रखा, उसकी रक्षा की। आज उसका परिणाम है कि दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। उसी के वजह से आज प्रधानमंत्री देश दुनिया में कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं। लेकिन वर्तमान में सुन लीजिए अंजना जी, वर्तमान में जिस तरह से भाजपा के लोगों ने देश के जनादेश को जिस हर राज्यों में तोड़ने और बर्बाद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, उसका जवाब बिहार के नेताओं ने दिया, बिहार के जनता ने दिया। अब ऐसी गलती दोबारा भाजपा नहीं करेगी और 2022 में शुरुआत हुई है, 2024 में इसका अंत होगा। ठीक है, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक बार विधायक जी को दीजिए। सर, शराबबंदी पर क्या होगा? तेजस्वी जी तो मानते हैं कि शराबबंदी बंद हो, और शराबबंदी को महिलाओं के लिए सबसे बड़े वेलफेयर प्रोग्राम के तौर पर नीतीश कुमार रखते हैं, तो आप समझौता करेंगे या वो करेंगे? समझौता वाला बात, हमें ज्वाइंट सरकार था उसी समय शराबबंदी लागू हुआ था, कोनो भाजपा के साथ गए उसके बाद थोड़ी लागू हुआ है, उसी समय हुआ था। मगर जो है सो आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से शराबबंदी का दुरुपयोग हुए हैं, जहरीली शराब से लोग मरे हैं, ऐसा बात सुनिए, फेल है कि क्या पास है, ये बात को सुनिए, पहले धैर्य रखिए सुनने के बाद को। तो हम लोग इस पर समीक्षा करवावेंगे, समीक्षा होगी कि जिससे जहरीली शराब नहीं बने, आज लोग पीना ही लोग चाहते हैं, तो सही है शराब बने, तो इस पर भी समीक्षा होगा। ऐसा बात नहीं है कि हम अटल है तो अटल हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आप नीतीश जी को इस पर मनाने की? कोशिश पूरा कोशिश नहीं, हम लोग समीक्षा करेंगे कि जो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उसका परिवार का क्या हो रहा है, ये सब सारी ये तो बात अभी भाजपा के साथ, भाजपा वाले लोग कहाँ उठाए इस बात को कि लोग मर रहे हैं। हम ही बार बार उठाते थे कि अगर असली शराब अगर बेचवाना है तो सुनिए थाना से ही बेचवाइए ना। हाँ। थाना से ही बेचवाइए, कोई ठेकेदार नहीं रहे, थाना में रख के शराब बेचवाइए, क्योंकि थाना वाले लोग जो है सो अति कर रहे हैं। नीतीश को अपने फैसलों पर सवाल पसंद होगा? फैसलों पर सवाल पसंद नहीं है। हाँ। फैसला पसंद है नीतीश कुमार जी, फैसला जो होगा आम जनता के हित में होगा, इसका समीक्षा होगी। आप जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन चीज बड़ा स्पष्ट है, उन्होंने मुद्दा उठाया एकदम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री को जाकर उन्होंने बताया और पूरा कैंपेन चलाया, याद दिला रहे और एकदम याद में दिला रहा हूँ। हाँ। कि मुख्यमंत्री जी को जाकर बताने का काम किया कि बेतिया में हमारे लोग मरे रहे हैं दारू पी के, जो जहरीली शराब से। और जहाँ तक बहन जी ने अपनी बात रखा कि कांग्रेस लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, इस देश में मात्र 64 सरकार थी जिसको बर्खास्त इन्होंने किया था, हम लोगों ने नहीं किया, कांग्रेस के लोगों ने 64 सरकार पूरे देश में बर्खास्त किया। और यहाँ पर राजीव जी बोल रहे थे 7 पार्टी की मुलाकात हो। हाँ। गई है, कह रहे आपको अलग थलग कर दिया बीजेपी, वही तो मैं कह रहा हूँ सारे। अरे पास तो बबुआ लेके आया है, इनके पास तो एक ये है और एक मांझी जी है, दोनों को मिला दीजिएगा तब भी आरजेडी के 1/3 होइएगा, तो इनका तो यही स्थिति है। इसलिए कहीं भी कोई चिंता का विषय नहीं है, जितने लोगों को मंथन करना है करने दीजिए, समूल मंथन होगा और अमृत भारतीय जनता पार्टी के ही नसीब में होगा, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अमृत कह रहे हैं उन्हीं के हिस्से में लगेगा। और नकली शराब पर इन्होंने भी बोला, उन्होंने भी बोला, ये भी एक इशू था, इस पर भी बोलते थे। देखिए, शराबबंदी तो एक युगांतकारी क्रांतिकारी कार्यक्रम है, इस देश में अनेक कानून बने, उन कानूनों के बनने के बाद भी हत्याएं, डकैती, बलात्कार हुए, लेकिन उन कानूनों में समय समय पर प्रभावी तरीके से कैसे उसको क्रियान्वित किया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और शराबबंदी को लेकर के अगर शिथिलता की शिकायत कहीं आई,
मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मैं एक बात पूछूंगा, रईस फिल्म आपने देखी है कि नहीं? गुजरात में शराबबंदी का जो शराबबंदी के बाद जो एक समानांतर उद्योग विकसित हुआ वो फिल्म जरूर देख लीजिएगा। और हाल के दिनों में जहरीली शराब के सेवन से जो हाल के दिनों में जो मौतें हुई, वहां क्यों नहीं चिंता ये प्रकट कर रहे हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ भी पार्टी तो बिहार की मानते हैं समानांतर। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी अगर कमियां हैं तो हम उसको सुधारते हैं, लेकिन ये कानून इतना बड़ा है बिहार के गांव की तस्वीर बदल गई। नीतीश जी के लिए नॉन निगोशिएबल है ये, बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। इसमें जो भी कह रहे थे समीक्षा होगी, नहीं, समीक्षा का अर्थ क्या है? समीक्षा तो अभी भी होती है, दो तीन बार उसमें संशोधन भी हुए हैं। अच्छा। जनहित में प्रभावी तरीके से इस कानून को लोगों तक पहुंचाने के लिए जब भी जो जरूरत हुई है नीतीश कुमार जी ने किया, आगे भी विचारों का स्वागत किया जाएगा। शराबबंदी पर टकराव हो सकती है क्या? एकदम मतभेद है। यह सफेद झूठ है कि शराबबंदी सफल है। ऐसा असफल मैंने आज तक अपने 35 बरस के पत्रकारिता के जिंदगी में कोई असफल कार्यक्रम नहीं देखा हूँ। पहले से 50 गुना ज्यादा बिक रहा है। अभी कहिएगा तो फोन करके हम यही मंगा देंगे, यहीं पे मंगा देंगे। यही अभी कहिए तो फोन करके मंगा देंगे। घुमाइए फोन, घुमा दें, घुमाइए फोन। आज 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 यहाँ पर पोल खोल हो ही जाए, सारा जो है सारा जहरीला विधानसभा में पहुंच जाएगी। जहरीली शराब, जहरीला शराब, समझिए कि क्या वो सुलेशन पी रहा है कौनो, तो कौन ड्रग केमिकल मिला के अब तुरंत जो है खत्म कर देना चाहिए और गुजरात मॉडल लाना चाहिए। गुजरात में ऑफकोर्स इधर जहरीला से, लेकिन गुजरात में तो 60-65 हजार लोगों को लाइसेंस है। आप जाइए लाइसेंस लीजिए, शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम लिखवाइए अपना, होटलों में बड़े बड़े मिलता है वहाँ। ठीक है, इधर से किसी को सवाल। जैसे जेडीयू बात करती है कि नीतीश कुमार का यूएसपी है कि वो CCC से समझौता नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, तो 2017 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था तो मिट्टी घोटाला, जो बिहार का सबसे बड़ा मॉल घोटाला था, उसी के नाम पे जिसमें तेजस्वी यादव एक्यूज थे, और आज उसी केस में वो चार्जशीटेड हैं और बेल पे मां राबड़ी देवी और वह खुद बाहर हैं, तो आखिर भ्रष्टाचार में क्या बदला कि उस समय? विधायक जी बताइए, विधायक जी आपके सवाल ले रही हूं, यही रुकिए। विधायक जी आप बताइए, राजीव जी आपको भी फोन रखना होगा, दोनों से ही सवाल है। भ्रष्टाचार के मामले पर आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया और भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ आप कैसे चलेंगे आगे सरकार में? पहले विधायक जी आप ही बोल लीजिए, राजीव जी बोलिए। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर के दोहरे मानदंड नहीं अपनाए लोग। भारतीय जनता पार्टी में प्रेम सिंह धूमल से लेकर येदुरप्पा, अनेक ऐसे उदाहरण है, बेल्लारी ब्रदर्स। ईडी वहां जाती है जहां उनकी सरकारें नहीं होती हैं और जहां उनके विरोध में राजनेता होते हैं। डीके शिव कुमार से लेकर के तमाम उन नेताओं के यहां ईडी भेजा जाता है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ऐसे दोहरे मानदंड भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो भाजपा को अपने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के संपत्ति की जांच करानी चाहिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जो उनके अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को जो विशेष कृपा पात्र बने हुए हैं, उन अधिकारियों के संपत्ति की जांच करनी चाहिए, इससे समाधान निकल आएगा। आरजेडी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या बोलूं? मैं तो वही कह रहा हूं कि ये तो अदालत में है, अगर इस अदालत के जरिए अगर कोई बात आएगी तब उसके बाद ये बात होगी। जेपी नड्डा जी भी आए और नरेंद्र मोदी जी भी आए, तो हम लोगों ने भी आवाज उठाई कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का हम लोग मांग, पर यहाँ से वहीं के वो स्टूडेंट थे पटना यूनिवर्सिटी के, वो पटना कॉलेज के पास आउट, पर यहाँ से जितने भी विश्वविद्यालय से जितने भी छात्र बन के जो नेता या जितने भी पदाधिकारी बन गए आज तक कभी भी वो विश्वविद्यालय में कभी झांक के नहीं देखने गए। हमारा यही मांग है स्पष्ट कि वो अभी तक क्यों जवाब दीजिए। देखिए, एकदम स्वाभाविक है, इनकी मांग भी जायज है, मैं कहीं दो मत नहीं है, हम लोग इसका समर्थन तो भी करते हैं, दो साल तक क्यों नहीं किया? समर्थन भी करते हैं जना जी। हम लोगों ने नॉर्थ और बिहार में, साउथ बिहार में दो यूनिवर्सिटी बनाया। हम लोगों ने ऐसा कोई भी प्रमंडल नहीं है जहां यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्थापित नहीं किया। इसलिए जहां तक क्या आप विपक्ष में आ गए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, चाहे वो मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या पटना के विश्वविद्यालय की बात हो रही हो, क्या आप उसके लिए हम सबों के साथ छात्र युवाओं के साथ आंदोलन करेंगे? एकदम हम लोग यूनिवर्सिटी को सेंट्रल के लिए लंगर से महाविद्यालय मदद नहीं जाएंगे। मेरा सवाल, मेरा मांग है यूनेस्को से, मेरा यूनेस्को से मांग है कि 7 अजूबा है पूरा विश्व में, 8वां अजूबा हमारा मुख्यमंत्री जी है, 8 बार
मुख्यमंत्री का शपथ लिए भाई मुख्यमंत्री ने करने का काम किया भाई वो यही आप लोग बोलने ऐसे कैसे मांगू मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया ये आठवें अजूबे है पूरे और मैडम बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय दो केंद्रीय विश्वविद्यालय मोदी जी ने दिए कैसी बात करते हैं आज इस मुद्दे पे डिबेट है कि आखिर नीतीश कुमार जी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को क्यों चले गए अलग थलग आखिर भारतीय जनता पार्टी से जब वो आरजेडी से हटके 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी थी और आज क्या भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी हो गई ठीक है चलिए जल्दी से एक एक दो दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से लेते हैं छोटा सा बोलिएगा जल्दी से बोलिएगा दो लाइन में अब अच्छा भविष्य आ गया है या आपको लगता है कि ये गठबंधन सिर्फ सहूलियत की है कुर्सी बचाने के लिए देखिए बहुत क्लियर है कि गठबंधन विचारधारा पर नहीं होती है और आप इस बात को समझिए कि कहीं न कहीं गठबंधन जब टूटता है उसमें दोनों दल की भूमिका होती है कोई एक गलती से नहीं गठबंधन टूटता है। अगला सवाल जल्दी से इनको माइक दीजिए नीतीश बाबू के साथ अब सरकार में आप लोग हैं मंत्री हैं क्या कमाल हो जाएगा कमाल तो आपको दिखेगा हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि नड्डा जी कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है अब अकेले लड़े केंद्र में और बिहार में सरकार बनाए क्या कीजिएगा आप हम लोग तो स्वागत ही कर रहे हैं कि सात नहीं आठवां पार्टी भी एक बचा हुआ है एक MLA उसको भी मिला लीजिए उसके बाद ही लड़ेंगे हम आठों के खिलाफ लड़ेंगे।